राजपाल जी, राजपाल जी एक फोटो के लिए। रुबीना जी, हेलो 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 हेलो, वहीं पे रुकिए, वहीं पे रुकिए, फोटो अच्छा होगा, वहीं पे रुकिए। अभिनव जी सामने, आगे मत जा, आगे मत जा, राइट साइड मैम, जाओ मैम, यहाँ पर रुबीना मैम, लेफ्ट में लेके ले फोटो की, लेफ्ट ये ही, अभी सेंटर में, अभी यहाँ पे रुबीना जी सेंटर में, रुबीना जी मैम एकदम सेंटर, यहाँ पे मैम, सॉरी यहाँ पे सेंटर सेंटर, थोड़ा मारिए ना, तो क्या बाबा मारिए, मारिए मैम, यहाँ पे रुकिए, आप अरे अरे रुको रुको, इतना क्या करते हैं नितिन सर, आइए इस तरफ सर, इकड़े हाँ सर, समझ दे कितने सर, अरे यार ना दाल बोल, अरे ये है, ये है, ओके सर ओके, हेलो भाई आगे बात ले आगे, तो इसलिए चली गई यार, सर को आराम से यार, आए लोग जल्दी जल्दी आराम से कर लो, आइए चलो बाहर बोले। देख भाई पहले फोन आया, पहले वो लोग बता रहे इसका बाइट लो, उसका बाइट मत लो, बताइए अर्ध के बारे में क्या कुछ हमें देखने वाला मिलने, देखने को मिलने वाला अर्ध। देखो अर्ध का मतलब तो आप लोग समझ गए, आधा तो स्टोरी अभी आपने बता दिया, क्या कुछ देखने को मिलने वाला और क्या कुछ नहीं देखने को मिलने वाला, पर इतना है कि एक ऐसी कहानी है जो हमारे सामने होती है, हमारी इंडस्ट्री से जुड़ी है, मतलब ऐसे हमारी इंडस्ट्री नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि किसी भी इंडस्ट्री का ले लो, कोई आदमी कुछ काम करना चाहता है, कुछ करना चाहता है, बट जब उसमें नहीं कर पाता है तो वो क्या करता है, वो कैसे यू नो अपना वो जो करना चाहता है उसको भी ज़िंदा रखता है और घर भी चलाता है। एक आम इंसान की कहानी, स्लाइस ऑफ लाइफ, और ऐसे में हमेशा ऐसा होता है कि कोई ना कोई एक अच्छा और सच्चा दोस्त होता है, तो वो भी बहुत जरूरी है। जैसे भाई ये भी थोड़ा कंफ्यूज है, ये कंफ्यूज है ना, कोई बात नहीं बेटा, आधा अच्छा करेगा, आधा इधर आधा उधर, अभी नया है, नया है ना, तू सिखा दे। नहीं नहीं मैंने सिखाऊंगा, आप किस अंदाज में हमें देखने को मिलेंगे ये बताइए। जैसे मैंने अभी बताया कि एक जब ये सब होता रहता है जिंदगी की कश्मकश में, एक अच्छा और सच्चा दोस्त होता है साथ में, तो वो मैं हूँ। सपोर्ट करेंगे आप कि क्या करना है जीवन में, 100% इनफैक्ट कहानी ऐसी है कि वो सबको प्रेरित करती है, इनफैक्ट मुझे भी यू नो एनकरेज करता है कि कैसे अगर अपनी हिम्मत ना हारो तो आदमी कहाँ क्या से क्या कर सकता है। तो ये राजपाल जी हैं, राजपाल जी तो यार सब हमारे फेवरेट है, अलग अंदाज, अलग अंदाज में राजपाल जी, यही तो ज़िंदगी की कहानी है, यही तो है कि अपना घर चलाने के लिए इंसान क्या सोचता है और क्या करना पड़ता है, और ख़ास करके अगर हमारी इंडस्ट्री में रहना है तो अपनी कला को कैसे ज़िंदा रखे और अपना घर भी कैसे चलाए। 10th of June को जी जी 10th of June Z5 पे आप इसे देख सकते हैं, Z5 शोज पे इसे देख सकते हैं, फ्री है टू एयर, जो जिनके पास भी ऐप होगा वो फ्री में देख सकते हैं, और मज़ा लीजिए और हमें बताइए कि आपको हमारी मेहनत कैसी लगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई लोग, एक दूसरा बैग लाना, अपना वाला बैग ला इधर, समझ गया छोड़े भाई, हां हां अपना बैग मेरे को दे, अपना बैग लेके जा, अपना बैग ले,
गया है एंड परफॉर्मेंसेज जितना मैं जज कर पाया ट्रेलर से, ऑफकोर्स राजपाल यादव सर तो मतलब प्रो हैं, हितेन जी के साथ मैंने काम किया है, आई वर्क विद हर एज वेल, आई डायरेक्टेड हर एज वेल, सो परफॉर्मेंसेज वुड बी अमेजिंग. तो बाकी मैंने भी खुद ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं की बिकॉज आई वॉन्टेड टू सी एग्जैक्टली यू नो हाउ इट लुक्स. Honestly, I have seen her in like very glamorous roles. I have seen her like, you know, looking hot, you know, superb, beautiful, you know, phenomenal. I wanted to see her in something like very desi and ek bada ek jo realistic sa wo hota hai zone usme. So I think I'll be very happy. देखिए कलाकार के जीवन में ये सब फेजेस आते रहते हैं. सो आई थिंक एज इन व्हेन आई मैच्योर इन माय यू नो क्राफ्ट, सो आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी. एंड आई थिंक वी हैव आवर गेस्ट हियर, सो प्लीज़ पलक की तरफ, यू शुड ऑल पैन आउट देयर. शी लुकिंग प्रिटी. स्ट्रीमिंग होने वाली है. Thank you. Come. You please take the center stage. Yeah. Main baad mein. No. 10th June Z5, you have to watch Arth. And the beautiful, gorgeous singer has sung our song and yeah, she's done an amazing job. So over to Palak. Aaiye Palak. Aap bataiye ki Arth pehle definitely aapne gana bhi gaya hai, pehle trailer aur bataiye kaise hua trailer. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे भाई की मूवी है तो मुझे अच्छा ही लगेगा. मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड फीलिंग है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल प्रोजेक्ट है बिकॉज पलाश का डेब्यू है एज अ डायरेक्टर. और जो रिस्पांस मिल रहा है फिल्म को, गाना आने वाला है कल पहला, जो ट्रेलर को रिस्पांस मिला है, आई एम रियली हैप्पी एंड रियली रियली प्राउड. डायरेक्शन में तो मेरा नॉलेज जीरो है, तो उसमें मैंने कोई टिप्स नहीं दिए, बट आई फील रियली रियली हैप्पी कि पलाश ने म्यूज़िक भी दिया है पहले एंड नाउ ही वांट्स टू बी अ डायरेक्टर. और उसने काफ़ी समय असिस्ट भी किया है आशुतोष गोवारिकर जी को एंड नाउ ही इज़ डेब्यूइंग एज अ डायरेक्टर. बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है और बहुत ही ज़्यादा प्राउड हूँ मैं. किस अंदाज में हम आपके गाने को देखेंगे? रोमांटिक गाना है, अरमान के साथ गाया है मैंने. हमारा कॉम्बो जब भी आता है बहुत पसंद करते हैं लोग और उम्मीद है इस गाने को भी अच्छा होगा. गाना रिलीज़ नहीं हुआ है अभी. Okay. कल होगा, बट आई थिंक आई कैन सिंग लाइक अ लाइन मे बी. तेरे इश्क का माझा छोटे ना, तेरे इश्क का माझा रे, तेरे इश्क का माझा टूटे ना, तेरे इश्क का माझा रे. 10th ऑफ जून को भाई की फिल्म रिलीज हो रही है आपके पास. बहुत 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 सारी शुभकामनाएं हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग है अपने भाई के लिए. एंड आई रिक्वेस्ट एवरीबडी कि आपने जितना प्यार मुझे दिया है उतना ही प्यार पलाश को दे उसके डेब्यू प्रोजेक्ट के लिए. बहुत गर्म हो रहा है. आएंगे सब. अरे वीडियो है, सारे आ जाएंगे. सारे आ जाएंगे. प्लानिंग चल रही है. थैंक यू. उसके बाद हाँ.
पहनने नहीं, ये तो मेरा काम है। क्या सर आप सिर्फ पहनी की मूवी है, कुछ बताइए कि बंगाली इनकी किस्मत इतनी खराब है क्योंकि अभी इन्होंने हमको पहली में लिया, इनको हर में लेना पड़ेगा। इनडायरेक्टली मैंने अपना फायदा किया, बट ऑल सेड एंड डन हमें जो सुनाया गया था उससे अगर 10 गुना ज़्यादा अच्छी कुछ चीज़ बनती है तो मज़ा ही आता है। हम आर्टिस्ट लोगों के लिए यही अच्छी बात है, हमें एक नरेट किया गया था उससे मतलब जब हमने देखा कि ये हो रहा है वो वेरी गुड, तो हम भी यू नो 100% नहीं 200% के लिए खड़े हैं हम, तो मज़ा आ गया। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने तो पहली बार काम किया इसके साथ, बातें बहुत की थी पहले, तो ये सिर्फ बातें नहीं करता काम भी करता। सिर्फ बातें नहीं करते काम भी करते हैं। पहली आपकी मूवी है, ऐसा एक्सपीरियंस है, आप रुबीना जी हैं, बताइए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था एंड मैं बहुत खुश हूँ कि पहली मूवी में इतने अच्छे लेजेंड एक्टर्स के साथ काम करने को मिला, जैसे राजपाल सर है, एंड बहुत ही मज़ा आया। बहुत मेरा काम आसान हो गया बिकॉज जब आप अच्छे एक्टर्स के साथ काम करते हैं तो डायरेक्टर का काम थोड़ा आसान हो जाता है। एंड आज फर्स्ट स्क्रीनिंग है हम लोग की, एंड रुबीना जी ने तो अभी तक मूवी देखी भी नहीं है और ना ही इतने देखी है, तो इन लोग के रिएक्शन के लिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। राजपाल जी आप कुछ कहेंगे, आप तो मतलब हर जनरेशन के साथ में काम कर रहे हैं, कभी लैया कभी तुम कभी नहीं, मैं अपनी उम्र मैं इन लोगों से अपने आप को एक साल कम इमेजिन कर लेता हूँ तो इन सबको टीचर समझ लेता हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ कि आज रुबीना और हितेन और पलक का ये जो बोलते ना कि जब हम लोग बाहर डायलॉग कोई बोलता है उसकी प्रॉक्सी कोई पीछे पर्दे के पीछे करता है तो वो भी एक अदाकारी और कलाकारी से कम नहीं होता है, तो वो बैक स्टेज सपोर्ट जो पलक ने दिया है पलाश को, और पलाश ने ये बात हितेन ने बड़ी अच्छी बोली कि हमने तो एक बहुत एक मीनिंगफुल एक छोटी सी कोशिश करके ये देखी कि एक फिल्म का एक ऐसा थॉट है जिसमें अगर 750 करोड़ लोग हैं पूरी दुनिया में तो 700 करोड़ पति पत्नी मास्टर्स की यही फाइट है रोज़ की, यही रोज़ कुआं खोद के पानी पीने की जद्दोजहद है, और जिसमें सपने भी सच हों लेकिन रोटी कपड़ा और मकान का भी कॉम्बिनेशन बैठे, तो वो एक छोटी सी कोशिश ने जैसे बताई और उसमें 10 पैसा ज़्यादा रिजल्ट निकल के आ रहा है, तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही कि अर्ध को और सबसे G5 ने जो है वो एक प्लेटफॉर्म दे के उसको अर्थ में बदल दिया। थैंक यू सो मच और पूरी टीम को शुभकामनाएं, और मैं क्या बोलूं कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि इन सब के साथ मुझे भी जवान होने का मौका मिला। ये डेब्यू डायरेक्टर ज़रूर होंगे बट ही हैज सच अ क्लियर विजन दैट आई थिंक ही नोज व्हाट ही वांट्स टू डू एंड व्हाट ही वांट्स टू अचीव, दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट इट, एंड आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट द कमिंग जनरेशन ऑफ ग्रेट विजनरी डायरेक्टर्स। राजपाल सर ही इज़ अ लेजेंड, ही इज़ डन हिज कितना 25 साल हो गए हैं अब आपको, 25 साल कम्प्लीट करें जून को, 25 साल 25 साल उम्र हो जाएगी मेरी फिल्म इंडस्ट्री में। पार्टी तो थी नहीं, आप आए बना दी पार्टी। सो 25 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कमेंडेबल, अनदर मतलब वो क्या बोलते हैं फेदर इन माई हैट टू वर्क विद पलक। ऑफ कोर्स वी ऑल नो व्हाट अ ब्यूटीफुल सिंगर शी इज एंड शी इज गिवन अ ब्यूटीफुल वॉइस टू द फिल्म। हितेन हैज हमने काम कई परेशान हो गई ये ओहो प्लीज आई वाज सो हैप्पी इनके साथ मैंने आज से 10 साल पहले काम किया था एंड यस ही वाज यू नो अ स्वीटहार्ट ऑन द सेट्स देन आल्सो एंड लाइक नाउ आल्सो, सो आई थिंक ये बदले नहीं है एंड दैट्स व्हाट इज हिज कंसिस्टेंसी दैट यू नो इनका वर्क एथिक इतना स्ट्रांग है दैट टिल डेट ही इज डूइंग कमेंडेबल। वो तो मेरे लिए इट बिकेम लाइक अ safe ground for me to start up my first film and let's see now all I want is your well wishes and your blessings, so help us all. Thank you Palak ji, aapka kal birthday Palash ka birthday, sorry sir, kya ho gaya tha birthday, aap to aaye the abhi to aaye the aaj iska ek sabka samuhik ek बोलते हैं फैमिली
फैमिली फ्रेंडली आज स्क्रीनिंग है अपने इसकी, और आज सबसे खुशी वाली बात है कि पलाश का आज अभी 2-3 घंटे बाद में जो है इनका जन्मदिन शुरू हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि इन्होंने अर्ध से जो अपनी एक नई इनिंग की शुरुआत की है, ये हर फिल्म जो है डे बाय डे लगातार इनके हर बर्थडे पे जीरो जुड़ते रहें, और मतलब जीरो जुड़ते रहें और लगातार जीरो लगते रहें, और उतनी फिल्में डायरेक्ट करते रहें, म्यूजिक करते रहें, और खूब देश दुनिया की सेवा करते रहें। गॉड ब्लेस। हम तो हर क्षण को एक पार्टी में यहाँ खड़े होने का सौभाग्य मिला। ये भी एक मतलब आज फिजिकल पार्टी नहीं चल रही, लेकिन अंदर तरंगों में सच में पार्टी चल रही है, क्योंकि ये अर्थ एक ऐसी है जीवन की जो 15-20 साल से मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ। मैं, मेरी पत्नी और वो, एक तरफ हंगामा रिलीज हो रही है, एक तरफ मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ रिलीज हो रही है। वैसे ही कल जैसे भूल भुलैया तो रिलीज हुई, आज सबका खूब प्यार मिला, जनता जनार्दन का खूब प्यार मिला, और 10 जून को अर्थ भी रिलीज हो रही है, तो इससे बड़ी अच्छी क्या बात है। अच्छा, ये रिकॉर्ड नहीं किया था, अरे मुझे लगा मैं सब लाइनें भूल गया था। माइक सब कुछ जानते लोग की नहीं, वो दोनों पिक्चर बोल ये मतलब जैसे आपने देखा कि हितिन की पिछले 2 साल कोरोना के ये पूरे तांडव के बाद पूरी दुनिया उथल पुथल होने के बाद में अब जो है अब सिनेमा अच्छा रिलीज़ हो रहा है, OTTs पे रिलीज़ हो रहा है, थिएटर में रिलीज़ हो रहा है, कल जैसे भूल भुलैया 2 रिलीज़ हुई, लेकिन मिल रही है यार नहीं नहीं, लेकिन अभी ये बाहर थे ही थे तो अभी आज ही आए हैं, और उसमें खूब जनता जनार्दन का खूब प्यार मिल रहा है। तो और अभी 10 जून को जो है हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है अर्ध, तो मुझे बड़ी खुशी है कि 15-20 साल पहले जैसे एक तरफ मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ रिलीज़ हो रही है, एक तरफ हंगामा रिलीज़ हो रही है, तो वैसे ही कुछ एक कॉम्बिनेशन बैठा कि एक तरफ एक अच्छी बड़ी भूल भुलैया 2 में सौभाग्य मिला काम करने का, एक सपोर्टिंग अच्छी भूमिका करने का, और अब 10 जून को G5 पर रिलीज़ हो रही है, तो इसमें एक मुख्य भूमिका करने का, सबके साथ में एक नई ज़िंदगी जीने का मौका मिला, तो बड़ा अच्छा लगा। और 30 साल ऐसे ऐड करते जाइए इनके लाइफ में, हो जाएंगे, आप लोगों की दुआ रही तो ज़रूर हो जाएगी, और जो देख रहे हैं हमें उनकी दुआ रहे, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो एंड ऑफ द डे ये फिल्म प्रेजेंट तो आप ही को की जाएगी, और इसके कर्ता धर्ता उसके बाद में आप बन जाते हैं, तो जो भी है द बॉल इज़ इन योर कोर्ट एंड द डिसीजन इज़ इन योर कोर्ट। हमने पूरी मेहनत की, हमने पूरी मेहनत से काम किया, लगन से काम किया, ईमानदारी से काम किया, वो आप देख ही रहे हैं, देखेंगे भी आगे, वोट यू है कि नहीं, अच्छा है वो सब आपका है, अच्छा है सब आपका। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, लव यू, यस, थैंक यू। अजय थैंक यू।
बहुत ही ज़्यादा अच्छा ट्रेलर है एंड ऑफकोर्स रुबीना है राजपाल जी आई थिंक हितेन ऑल ऑफ देम आर ग्रेट परफॉर्मर्स एंड जब मैंने ट्रेलर देखा मुझे तभी इतना अच्छा लगा था और मैं तो भाई रुक नहीं सकती आई वांट टू गो इनसाइड एंड वॉच द फिल्म तीनों ही बहुत ब्रिलियंट परफॉर्मर्स है रुबीना को तो देखना तो दूर की बात है मैं तो काम कर चुके हैं मैं और रुबीना साथ में काम कर चुके हैं आई नो दैट शी इज़ अ ग्रेट परफॉर्मर और स्क्रीन प्रेजेंस भी बहुत अच्छा है ही इज़ तो ब्रिलियंट ओनली हितेन इज़ ऑल्सो वेरी गुड एंड आई रियली कांट वेट तीनों को देखने के लिए बिकॉज जो ट्रेलर था वो बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रहा था एंड जब से मैंने सुना था तब से ही मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रहा था टू सी इट एंड फाइनली द बिग डे इज़ हियर सो आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट एवरी वन बिकॉज ऑल थ्री ऑफ देम आर ब्रिलियंट एंड आई नो कि जो प्रोडक्ट हम देखने वाले हैं आज वो बहुत ही अच्छा होने वाला है थैंक यू पलाश आई नो हिम सिंस लाइक ही इज़ माई यंगर ब्रदर सो मैं काफ़ी टाइम से पलाश को जानता हूँ एंड आई नो इट्स बीन हिज ड्रीम टू डायरेक्ट एंड इट्स हिज डेब्यू प्रोजेक्ट एज अ सोलो डायरेक्टर सो आई एम श्योर ही इज़ डन अ ग्रेट जॉब किसकी परफॉर्मेंस का बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है इस पूरी फिल्म में रुबीना राजपाल जी हैं सभी का आई थिंक एवरीबडी मतलब अब मैं देखूंगा तो मुझे पता चलेगा बट आई थिंक एवरीबडी इज़ डन फैंटास्टिक स्पेशली यू नो राजपाल जी ही स्टैंड्स आउट इन द ट्रेलर एंड अब फिल्म देख के पता चलेगा कि किसका काम अच्छा है बट आई एम श्योर द फिल्म इज़ ग्रेट बिकॉज द ट्रेलर इज़ रियली रियली इंटरेस्टिंग राजपाल जी काफ़ी अलग अलग अंदाज में दिख रहे हो उसके बारे में आपका क्या कहना है यार सरप्राइज एलिमेंट है यू नो काफ़ी चीज़ें राजपाल जी का जो अलग लुक है उन्होंने साड़ी पहनी है उनके जो डायलॉग्स हैं आई थिंक इट्स समथिंग विच इज़ डन वेरी डिफरेंटली एंड वी आर ऑल वेटिंग टू सी वॉट ही इज़ डन ऑन स्क्रीन यार मैं तो यही कहना चाहूँगा सब लोग देखो प्लीज़ यू नो देयर सच गुड एक्टर्स एंड राजपाल जी हैज़ यू नो ही इज़ इन अ वेरी वेरी डिफरेंट अवतार इन दिस तो प्लीज़ गो एंड वॉच ऑन Z5 थैंक यू थैंक यू जी
क्या बात है, क्या बात है, बस 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 बोल पुलिस हमला मारी, सीधा मारी, हमला मारी, तुम आएंगे ना।